क्या आपको पता है कि विश्व का सबसे अधिक देह व्यापार वाला देश कौन सा है? नहीं तो चलिए आज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। थाईलैंड में देह व्यापार कुछ रेड लाइट एरिया में बहुत होता है, क्योंकि एक भारतीय कुवाड़ा नेता बार बार बिना बताए बैंकॉक चले जाते हैं। थाईलैंड में कुछ इलाकों में रेड लाइट एरिया होते हैं, जहाँ विभिन्न प्रकार की व्यवसाय मौजूद होती है, जो स्त्रियों या मुख्य रूप से विदेशियों को आकर्षित करती है। इन इलाकों में रात के समय ज्यादातर विदेशी यात्रियों की भीड़ होती है, जो यहाँ की व्यवसायों के साथ समय बिताते हैं। रेड लाइट में अक्सर बार, क्लब, रेस्टोरेंट और मसाज सेंटर आदि होते हैं, जहां विदेशी यात्रियों को आरामदायक और मनोरंजक विकल्प मिलते हैं। हालांकि ये सभी अवैध हो सकते हैं और स्थानीय शासन अधिकारियों द्वारा नियमित रूप से तंज के शिकार होते हैं। थाईलैंड के रेड लाइट एरिया में वैश्याओं के साथ संभोग करना अवैध है और स्वयं को ऐसी स्थिति से दूर रखना बेहद आवश्यक है, क्योंकि वह आपसे खुले या सार्वजनिक स्थान पर संभोग के लिए प्रेरित कर सकती है। और गाइस, आपके इसके बारे में क्या राय है हमें कमेंट करके कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें एंड प्लीज गाइस हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।